फारूक स्क्रीन बंद करो, रिमूव कर दूंगा मैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। और बाकी जस्ट अ मिनट। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। और बाकी के जो टारगेट आप लोगों को दिया होगा, आई होप कि आप लोग उसी पर अमल कर रहे होंगे, उसको फॉलो कर रहे होंगे। जो बंदा फॉलो कर रहा है, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? कि एक आम इंसान से जिसने टारगेट नहीं रखा हुआ, जिसको पता ही नहीं कि मेरी मंजिल है कि नहीं है, और एक जिसको पता है कि मेरी मंजिल है, मैंने कामयाब होना है, मैंने 2023 में फाइनेंशियल फ्री होना है, अपने वालदैन को सपोर्ट करना है, ठीक है, अपनी वालदैन को मतलब अच्छी मुकाम पर और एक खुद अपने अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आप लोग 2023 में टारगेट लेके चले कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो चीजें कमी कोताही 2022 में रह गई थी वो इस साल नहीं होगी, ठीक है? तो बाकी अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिस तरह की आप लोगों को पता है, जी वालेकुम सलाम, जिस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीड जनरेशन की तरफ है कि लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिये, लीड जनरेट एक ऐसा मेन इशू है काफी सारे मेंबर्स का, मैं देख रहा था। देखिए, ये एक तरह का जिस तरह की बैकबोन होती है बिजनेस की, सेम ही ऐसे ही रीढ़ की हड्डी है। अगर लीड्स नहीं आएंगी, प्रोस्पेक्टिंग नहीं आएंगे, तो उसको किसको हम अपना बिजनेस दिखाएंगे, ठीक है? अपना बिजनेस प्लान किन लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? अगर लीड्स नहीं आएंगी तो हम किसको इनवाइट करेंगे? अगर इनवाइट नहीं करेंगे तो हमारी टीम नहीं बनेगी। अगर टीम नहीं बनेगी तो अर्निंग कैसे होगी, ठीक है? तो इसके लिए कि आप लोगों का लीड जनरेट करना, काफी सारे न्यू मेंबर्स हैं वो भी सीख लें, उनका ये इशू इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा आज, ठीक है? तो आज आप लोगों को मैं 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, तो सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, तो आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? अगर जिसकी टीम नहीं है ये भी इसे जल्दी से इन्फॉर्म कर दे ताकि वो भी आ जाए, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके, ठीक है? ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो जस्ट अ मिनट। ओके, फारूक अब अपने स्क्रीन नहीं शेयर करनी, स्क्रीन शेयर की तो मैं फिर मूव कर दूंगा। ओके, मैम बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर है? जी सर, शेयर है। ओके, देखिए प्लेटफॉर्म्स हमारे पास बहुत सारे हैं। देखिए, लोग दुनिया आजकल प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया में। देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग दो तरीके से होती है दुनिया में, चाहे कोई भी बिजनेस है ना। पहले तो ऑफलाइन था, ऑफलाइन का जमाना था, लोग जाके फेस टू फेस मिलते थे, ठीक है, गेट टुगेदर करते थे, उनको अपना प्लान बताते थे, ठीक है। वहां पर लाइव मिलने में इशू ये होता था कि लोग उसकी पर्सनैलिटी से जज करते थे, उसके लिबास से, उसके अखलाक से, उसकी सूरत से, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन यहाँ पर हम किसी ने किसी को देखा है नहीं देखा, जो भी मामला था, लेकिन किसी का वैसे नहीं पता भी क्या हाल चाल है, क्या सूरत हाल है, ठीक है। तो ये कि पहले ऑनलाइन का ऑफलाइन का जमाना था, अब ऑनलाइन का जमाना, सारा काम डिजिटल होने जा रहा है, ठीक है। तो लोग जो है ना वो सोशल मीडिया की तरफ सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सोशल मीडिया चाहे जहां भी चला जाए, सोशल मीडिया में फेसबुक आ जाता है, उसके बाद लिंक्डइन आ जाता है, मैसेंजर आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, स्नैपचैट आता है, टिकटॉक, जो भी बेटा तक जो भी प्लेटफॉर्म है, सभी में आप लोगों को पब्लिक मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को हायर करने का, आप लोगों को उनको एंगेज करने का, उनको अट्रैक्ट करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, तो आप लोगों के पास बहुत सारी लीड हो जाएगी, इंशाल्लाह आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कोशिश करनी। देखिये, फेसबुक का तरीका बहुत पुराना हो चुका है, वहां पर आप लोगों को प्रोफेशनल लोग नहीं मिलेंगे, पेंडू लोग मिलते हैं और वो आते हैं और अजीब से रिएक्ट करते हैं, जिससे कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। आज उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा जहां पर आप लोगों को प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, जहां पर इंशाल्लाह सुधरे हुए लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे मिलेंगे, समझदार लगेंगे मिलेंगे, जो कि आपकी बात को सेटिस्फाई भी करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो मैं नहीं करूंगा, फ्री का कुछ है, उनको पता है ऑलरेडी, वो बीए के होंगे, बीबीए के होंगे, एमबीए के होंगे, वो मतलब ये प्रोफेशनल लोग, उनको पता है कि बिजनेस जो है ना, बेसिकली हम जब इनवाइट करते हैं तो बिजनेस का कहते हैं, उनको पता लग जाता है कि बिजनेस जो है ना वो फ्री से नहीं होता, कुछ भी फ्री नहीं होता, ये चीज तो उनको क्लियर है, ठीक है। तो आपका वो सरदर्द भी नहीं बनेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ टीम में आएंगे तो लीडर जो है ना वो लीडरशिप की क्वालिटीज इंशाल्लाह उनके अंदर होंगी और वो 360 एंगल तक आपकी इंशाल्लाह टीम को भी जो है ना बढ़ाएंगे और आपके वर्किंग को भी इंशाल्लाह बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो चले, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लिंक्डइन से, ठीक है, जो कि काफी सारे मेंबर्स की रिक्वेस्ट थी कि सर इस पर जो है ना वो लाजमी करें। तो आज मैं लिंक्डइन के आप लोगों को दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले कुछ अकाउंट की सेटिंग वगैरह होगी, वो आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ, वो आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी,
नहीं है और सेटिंग अपनी, क्या कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि आप लोगों की प्रोफाइल से लगना चाहिए कि बंदा समझदार है। देखो प्रोफेशनलिज्म में जा रहे हो तो खुद भी तो प्रोफेशनल हो ना, ये ना हो कि आप खुद वैसे हो और वैसे माहौल में जा रहे हो तो वो लोग आपको नापसंद करेंगे, तो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी, आपकी किसी चीज से भी अट्रैक्ट होके आपसे वो हरगिज रब्ता नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं जो है लिंक्डइन को ओपन कर लेता हूँ। लिंक्डइन को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल की डीपी दिखाई दे रही है, अभी आप लोगों को दिखाई देती है, मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपनी प्रोफाइल दिखा दूँ कि आप लोगों को कैसी प्रोफाइल लग रही है, कैसी डिजाइन करनी है आप लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों की प्रोफाइल जो है थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगना चाहिए, आपका जो बैनर है बैक वाला, आपका बैक कवर जो है ना वो आप लोगों का होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो सामने जो पिक्चर है, अगर आप लोगों ने कोई अच्छे सूट वगैरह में कोई पेंट वोट में क्लिक की है तो आप वेल एंड गुड है, वो बेहतर रहेगी, आप लोग लो लगा ले, नहीं तो अपनी रियल पिक्चर जो है ना वो लगाए, कोई स्टाइलिश कोई एन वगैरह ऐसा कुछ ना करें आप लोग। ठीक है, सिंपल से आपकी सादा पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आपकी ये सबसे पहले आप लोगों को पता लग गया कि आपका ये जो बैनर है कैसे डिजाइन होगा, ये भी मैं अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ इसका। उसके बाद ये आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका बायो अच्छा लिखा होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अपना नेटवर्क बना दूं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, चले मैं आप लोगों को पहले वो बैक कवर का बता दूं। कैनवा में आप लोगों ने आ जाना, कैनवा का इंशाल्लाह मैं टेक्निकल सेशन आप लोगों को मुकम्मल कैनवा का ए टू जी गाइड कर दूंगा, आप लोगों को सिखा दूंगा कि ये चीजें आप लोग कैसे डिजाइन कर सकते हो। सिर्फ मैं इसका ओवरव्यू जल्दी से बताता हूँ कि आप लोग ये बैनर्स कहाँ से डिजाइन कर लोगे। ठीक है, ओके, ओके, ये सर्च बार आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है। ओके, लिंक्डइन कवर इमेज, ओके, ये आप लोगों के सामने काफी सारे डिजाइन आ गए। यहाँ पर आप लोग अपनी पिक्चर लगाएं, अपने नेम वगैरह लिखें, उनको एडिट करें और उसके बाद जो है ना वो सिंपल उसको बैक पे लगा दें। ये देखिए काफी सारे बहुत ही यूनिक किस्म के हैं, तो यहाँ से कोई भी अच्छा ढूंढें और उसको सिंपल एडिट कर लें। ठीक है, और अपने बैक पर लगा लें। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि लिंक्डइन पर आने पर अपनी प्रोफाइल को अच्छा एडिट करना है। प्रोफाइल एडिट करगी अब क्या करेंगे, सेकंड काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना माय नेटवर्क। ठीक है, आप लोगों ने अपना नेटवर्क बनाना, अपने कनेक्शन जो है ना बिल्ड करने हैं, जिस तरह की हमारे फेसबुक पर आप लोगों ने देखा होगा ना फ्रेंड लिस्ट होती है। ठीक है, सिंपल टिकटॉक पर फॉलोवर्स होते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स होते हैं, यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं, यहाँ पर नेटवर्क होता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैनेज माय नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ और आप लोगों को अपना नेटवर्क कनेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, 213 लोग हैं, ठीक है, टोटल, और फॉलोवर कितने हैं, पेजेस कितने हैं, हैशटैग आपके सामने ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, अब आप लोगों ने ये कनेक्शन कैसे बनाएंगे, ये आप लोग रिलेशन कैसे बनाएंगे, कितना ज्यादा किस तरह ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे, तो आप लोग अब गौर से जरा देखिएगा किस तरह। अब ये हो गया, ये इंटरफेस सामने आएगा आप लोगों के सामने, सिंपल आप लोगों ने ऊपर सर्च बार आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है जरा देखिएगा। यहाँ पर आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल लिख लेने, ये देखिए लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे या सर्च कर रहे होंगे वो लोग आपके सामने आ जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। अगर आप फैसलाबाद लिखेंगे, मुल्तान लिखेंगे, टीचर लिखेंगे या एचआर मैनेजमेंट का कोई काम लिखेंगे या एमबीए की एमबीबीएस, चलो मैं कुछ करके आपको दिखाता हूँ, सर्च कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आईटी स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान। ओके, ओके, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर सेम देखिए, इसका काम सारा फेसबुक की तरह, थोड़ी सी चेंजिंग है बस। ऊपर आप लोग देख सकते हो पीपल पोस्ट प्रोडक्ट जॉब, वही चीजें आ रही हैं। ठीक है, सिंपल आप लोगों ने पीपल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर पीपल, ये जो लोग हैं ये आईटी से मैनेजर से, ये प्रोफेशनल अच्छे लोग हैं। आप लोग जिस कैटेगरी के भी सर्च करोगे, सिर्फ पाकिस्तान आगे लिख दोगे तो आपको उसी कैटेगरी के मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को काफी चीजें दिखाई दे रही है। ये ऑप्शन जो होता है ये फॉलो करने का होता है, ये कनेक्शन बिल्ड करने का होता है। तो सिंपल आप लोगों ने इसको आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने सिंपल अपने कनेक्शंस बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एक वक्त में ये तकरीबन 20 लोगों को आप लोगों ने सेंड कर देना। ये देखिए आप लोगों को मैं सामने सेंड करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ओके, ये लिमिट काफी सारी मैंने जो है ना वो काफी सारे जो है ना वो कनेक्शंस अपने बना लेते थे, जिसकी वजह से थोड़ी सी लिमिट लग गई है। तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ 10 से 20 लोग आप लोगों ने ऐसे ही इनको ऐड कर लेना, जिस तरह की आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये ऐसा डन हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये लिस्ट में अभी ये पेंडिंग में होगा। ठीक है, अभी आप लोग देखते हैं, मैं इसकी आईडी को ओपन करता हूँ, लेकिन ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अभी ये
लोक है, इसका मैसेज लोक है, अभी ये कनेक्शन में मेरे नहीं है, ठीक है। अब मैं वो बंदा आपको दिखाता हूँ जो मेरे कनेक्शन में है अभी, जस्ट अ मिनट ही, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ओके चलें, फर्स्ट वाली को ओपन कर लेता हूँ। ओके ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरे कनेक्शन में है, सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैसेज का ऑप्शन है, यहाँ पर सिंपली आप लोग इसके इनबॉक्स में आएंगे, इसके इनबॉक्स में आने में आप एक मैसेज इसको सेंड कर देंगे। सिंपल वो कैसा मैसेज मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ। ओके ये मैसेज आप लोग देखते हैं, इन लोगों को मैंने इनबॉक्स किया हुआ है, ठीक है। तो जिसका जो भी रिप्लाई आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो, ये चैट वगैरह होती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, सही है। तो ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोग इसको सेंड कर सकते हो। ये देखिए ऐसी डिस्क्रिप्शन आपके पास जो भी लिखी हुई है, अब इसने मैसेज को देखा नहीं, सेंड ही हुआ है, तो जैसे ये देखेगी उसके बाद ये रिप्लाई करेगी, सही है। तो ये बंदे आप लोगों को ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। ये लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, तो सेम आप लोग जो ऑनलाइन होंगे, आप लोगों ने सिंपल उनको हायर कर देना है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन उर्दू में लिख देनी है कि अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे बताएं आप इंटरेस्टेड है। तो सिंपल उसको आगे से थोड़ा सा रिलेशन बनाए, रिलेशन बनाने के बाद उसको आप लोग व्हाट्सएप पर ले, और व्हाट्सएप से आगे जो डील का तरीका है वो आप लोगों को पता है, नहीं पता तो कल इन्विटेशन का बताऊंगा, आप लोगों ने वहां से जज कर लेना है, ठीक हो गया। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी होगी, सही है। अब पहले काम तो ये था कि आपने कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बनाने के बाद जो लोग आपके कनेक्शन में आ जाएंगे, हाँ, अब आप लोगों ने अपना नेटवर्क चेक करना है कि कौन लोग आपके कनेक्शन में आ गए, सेम जैसे मैंने पहले किया था, माय नेटवर्क पर आना है, उसके बाद मैनेज माय नेटवर्क। अब ये लोग जो है ना कनेक्शन में आ गए, 213 लोग, सिंपली इनको मैं क्लिक करूंगा। अब ये इन लोगों आप लोगों ने देख लेना जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ये देखिए ये बंदे ऑनलाइन बैठे हैं, सिंपली मैं इसको चैट करना चाहता हूँ इससे, ये आज कल कनेक्शन हुआ है, इसको मैं मैसेज पर आऊंगा, और सिंपल ये देखिए इसको मैनेज, अभी इसने देखा है लेकिन इसने रिप्लाई नहीं किया, आई होप कि मेरे ख्याल में ये इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड होगा वो आप लोगों को टाइम वेस्ट कोई भी नहीं मिलेगा, जो करना चाहता होगा वो सीधा आपको अप्रोच करेगा, और उसके बाद आपको आगे जो डील है, आप लोगों का रिलेशन है, आप लोग आगे उससे बनाइएगा, और उससे आगे फिर उसको गाइड करिएगा, ठीक है। ओके अब दूसरा जो तरीका आता है वो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने होम पर आ जाना है, सेम जैसे ये पहले इंटरफेस था, आप लोगों ने अपनी वही प्रोफाइल जो ओपन है वो आप लोगों ने अपनी ओपन कर लेनी है। प्रोफाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये प्लस का साइन है, इसको आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर लेना है। अब यहाँ मेरी पिक्चर देख रहे हो, बिल्कुल सादा है, ठीक है। ओके यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ, एड फ्रेम पर क्लिक करता हूँ, नीचे सबसे लास्ट पर दिखाई दे रहा है एड फ्रेम। ओके अगर वो अपॉर्चुनिटी आप लेने वाले हैं तो आप लोग इसको आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन टू वर्क, ठीक है। अगर आप वर्क लेने के लिए आए हैं, अगर आप लोग जॉब लेने के लिए आए हैं, तो अपॉर्चुनिटी हासिल करने के लिए आए तो आप लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ओरिजिनल भी ये दिखे, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी लेने वाला है, ये बंदा हायरिंग वाला है, जो बंदा हायर कर जिस तरह के हम हायर करने वाले हैं, तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ऊपर अप्लाई का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक करना है, अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक जॉब पोस्ट करनी है, ठीक है, जॉब जिस तरह हम पोस्ट लगाते हैं, अब जॉब की पोस्ट आप लोगों ने इसकी लगानी है। सिंपल प्लस पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले पर आप लोगों ने एड का जो टाइटल है वो लिख लेना है। टाइटल आप लोगों को कैसा होना चाहिए, ये देखिए नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दे दिए हैं, सेलिंग के, रिसर्चिंग के, असिस्टेंट के, काफी सारे। तो सिंपल आप लोगों ने इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने लिखना है फ्रेशर स्टूडेंट। ओके फ्रेशर स्टूडेंट लिख लेना, उसके बाद सिलेक्ट कर लिया, सिंपल इसका टाइटल मैंने लिख लिया। ओके ओके उसके बाद सेकंड आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों ने, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्क प्लेस टाइप, कौन सी टाइप है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने सबसे लास्ट वाली रिमोट वाली पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया, रिमोट वाली पर सिलेक्ट कर लेना है और डन हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का एम्प्लॉय लोकेशन पूछ रहे हैं कि कहाँ से करना है, ये सारे मुल्कों के नेम आ गए हैं, ठीक है, कंट्रीज के नेम आ गए, आप लोगों ने सिंपली पाकिस्तान कराची वगैरह लिख लेना, जो भी लिखना है, पाकिस्तान मैंने लिख लिया, पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कहाँ पर, तो सिंपली मैं कराची में कर लेता हूँ, इस्लामाबाद कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिटी भी लोकेशन भी सिलेक्ट होगी। सिंपल नीचे कंपनी का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर कंपनी पूछेंगे तो सिंपल आप लोगों ने फोर्सेज क्रिप्टो लिखेंगे तो आपके सामने आएगा, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो आप लोगों का वो डन हो जाएगा। ओके लास्ट पर जॉब टाइप है, फुल टाइम करनी है, पार्ट टाइम करनी है, जो भी टेम्परेरी अदर जो भी है, आप लोग पार्ट टाइम पर क्लिक कर लें। ओके नीचे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन आप लोग कोई भी उर्दू की जो है ना वो आप लोग व्हाट्सएप से ले सकते हो और उसको जो है ना आप लोग सिंपली लगा सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर अपना सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही दे दूंगा, देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दे देता हूँ, तो सिंपली ये समझो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। ओके उसके बाद सेव कर लिया, ये डिस्क्रिप्शन होगी, सब कुछ रेडी हो गया।
अब लास्ट पर आप लोगों ने इसको पोस्ट एंड ऐड टू प्रोफाइल, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब आपकी ये प्रोफाइल पर ऐड लग गई है, ठीक है, उसके बाद डन आप लोगों ने कर लेना है, तो आपकी ये जो पोस्ट है ये आप लोगों की लग चुकी है, सही है। तो जिस तरीके से बंदे आपसे रब्ता करेंगे तो ये आपका इनबॉक्स होगा, यहाँ पर आपको मैसेज आएंगे, जो भी जिस बंदे का भी आएगा मैसेज यहाँ पर आप लोगों ने चेक कर लेना है, तो यहाँ पर आप लोगों से वो जो भी चैट वगैरह करनी होगी वो आप लोगों से कर लेगा, ठीक है। ये था लिंक्डइन का तरीका, ठीक है। मीटिंग में वापस आता हूँ तो जरा बताइएगा, यहाँ तक जिसका क्लियर है वो जल्दी से हैंड रेज कर दे, जल्दी से। कितने लोग एक्टिव हैं? ओके, कितने लोग एक्टिव, कितने लोगों को समझ आ गई वो जल्दी से हैंड रेज कर दे। ओके, सभी को आ गई है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। मैम जैना बताइएगा, स्क्रीन शेयर है? जी सर, शेयर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म आता है उसकी बारी है, वो आता है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको सिंपली, काफी सारे लोग यूज करते होंगे, मैं भी इतना कोई इतना प्रोफेशनल तरीके से इसको यूज नहीं करता, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने ये नीचे आपको प्रोफाइल का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लास्ट पर आएंगे, ठीक है, तो ये आपकी प्रोफाइल, इसको आप लोग क्लिक करेंगे। जरा मैं आप लोगों को अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ, कैसे मैंने उसको एडिट किया हुआ है। सिंपल आप लोगों ने ऐसे अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेना है, ठीक हो गया। नीचे आप लोगों ने जो भी बिजनेसमैन है उसके अराउंड अबाउट जो भी आपको कैटेगरी है, सिंपल आप लोग उसको जो है ना वो लिख के इस तरीके से अच्छे से एडिट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग मजीद मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ लीड्स के हवाले से आप लोगों को मैं गाइड करूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है रील्स का, ठीक है। ये सिंपल आप लोगों को प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस के साइन पर आप लोगों को क्लिक करेंगे तो ये आप लोग देखेंगे। ओके, प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, नीचे आप लोगों को काफी कैटेगरी मिल गई है, ये देखिए, पोस्ट का भी, स्टोरी का भी, रील का भी, लाइव का भी। सिंपल आप लोगों ने रील्स के ऑप्शन पर आ जाना है। रील्स के ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि एक कोई भी आप लोगों ने अपनी गैलरी में से कोई भी वीडियो जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। कोई भी वीडियो सिलेक्ट करने के बाद साथ आप लोगों ने क्या करना है, अपना व्हाट्सअप नंबर, टेक्स्ट का ऑप्शन होता है वहां पर वो लिखेंगे तो आप लोगों का जो सॉरी आपकी जो रील होगी वो लग जाएगी, ठीक है। चले मैं सिंपल एक लगा के चेक कराता हूँ आप लोगों को, कोई भी यहाँ से लगाते हैं। ओके, ये अर्निंग की लगा लेते हैं। ओके, ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद ये आप लोगों के सामने है, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। टेक्स्ट पर आ रहा है, यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हैं कि मोर इन्फॉर्मेशन या कोई भी आप लोग सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्ट मी ये लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, कुछ भी लिख लिया मैंने, अपना नंबर दे दिया तो ये लग गया। उसके बाद आप लोग इसको डिजाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सिंपल, ठीक है। अगर सादा रखना चाहते हो तो आप लोग इसको सादा भी रख सकते हो, ठीक है। इसको आप लोगों ने छोटा बड़ा जो भी करना है, जैसे भी करना है आप लोग इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। ओके, और उसके बाद आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है, ठीक है, जहां भी आप लोगों ने इसको रखना है। रखने के बाद उसको आप लोगों ने डन कर लेना है और नेक्स्ट कर देना, आपकी ये जो रील है ये आप लोगों की लग जाएगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज का इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है, यहाँ पर आप लोगों ने हैशटैग अच्छे यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ हैशटैग का मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने क्रोम ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है। ओके, ऑल हैशटैग, ओके, ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले ऊपर वाली जो वेबसाइट है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, सही है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली कौन सा वो वर्ड पूछ रहे हैं, कौन सा लिखना है, हम लिखते हैं रील्स के हवाले से, रील्स। रील्स पर लगाने के बाद उसके बाद ये आप लोगों ने रैंडम टॉप वाला सिलेक्ट करना है और उसके बाद जनरेट पर क्लिक कर लेना है। ये जनरेट हो गया और ओके, जनरेट पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना और उसके बाद नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करना है। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक मिनट, जनरेट पर क्लिक करता हूँ मैं।
ओके ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आप लोगों के सामने नीचे काफी सारे हैशटैग आ गए, ये देखिए तकरीबन 30 आ गए हैं। सिंपल आप लोगों ने ये कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और सारे हैशटैग कॉपी कर लेने। कॉपी करने के बाद ये कॉपी हो गया और सिंपल आप लोगों ने अपनी जो रील्स है उसके नीचे आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। हर कैटेगरी की रील लग जाएगी तो आपकी वायरल भी हो जाएगी और आपकी जो है ना वो ट्रेंडिंग में आ जाएगी। सिंपल इसको मैंने शेयर किया और ये आप लोगों के सामने इसकी जो रील है वो लग चुकी है, ठीक है। तो ये रील आपकी जो है ना लगी, ठीक है। तो पहला ये तरीका था, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्च पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है और ऊपर कैटेगरी में सर्च आप लोगों ने क्या करना है वो जरा आप लोग दिखिएगा। यहाँ पर आप लोग हैशटैग, ठीक है, स्टूडेंट्स के हवाले से भी, ठीक है, स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के आप लोगों को स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल जिस तरह की ये यूनिवर्सिटी है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद ये इंस्टाग्राम जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो है वो आईडी आ गई। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसके फॉलोवर्स में आ जाना है, ठीक है। सिंपली इसके फॉलोवर्स में क्लिक करना है तो ये सारे इसके फॉलोवर्स हैं। सिंपल सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसके फॉलोवर्स आप लोगों ने इसको पहले इसकी आईडी देख लेनी। कुछ लोगों की आईडी प्राइवेट होती है, ठीक है, वो आप लोग ये देखिए जिस तरह ये दिस अकाउंट इज प्राइवेट, ऐसे लोगों को आप लोगों ने नहीं फॉलो करना है, ठीक है। जो पब्लिक हो, जैसा कि ये पब्लिक है इसने कोई इतनी खास तो नहीं है, इसको आप लोग रहने दें। जिसके थोड़े से फॉलोवर ज्यादा हो उससे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो रेगुलर बेस पर ऑनलाइन रहता हूँ मैं। यहाँ से कोई भी ढूंढ लेता हूँ। ओके ये लग रहा है थोड़ा सा, इसको सिंपली आप लोग फॉलो करें। फॉलो करने के बाद यहाँ पर मैसेज करें, मैसेज करने के बाद आप लोगों ने उर्दू डिस्क्रिप्शन जो भी लिखी होगी यहाँ पर सिंपली इसको लिख के आप लोगों इस तरह मैं अस्सलाम वालेकुम के एकदम तो मैंने इसको सेंड कर दिया, ठीक है। अभी आपसे जब भी कोई कॉन्टेक्ट वगैरह करेगा तो आप लोगों के ये यहाँ पर आप लोगों को इनबॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आप लोगों के इनबॉक्स में आ जाएगा। जिस तरह की ये काफी सारे फॉलोअर्स आ रहे हैं तो सिंपल यहाँ से आप लोग इसको जो है ना वो आगे फर्दर इसके जो गाइडलाइंस है वो इसे मतलब डील करके अपने व्हाट्सएप पर ले आएंगे और फिर व्हाट्सएप के थ्रू आगे इसको डील करके तो इसको आप लोग अपनी टीम का हिस्सा बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग डेली बेस पर अपनी जो स्टोरीज है जो रील्स है उसको एक्टिव रखें, ठीक है, वहां से भी आपकी जो है ना वो अच्छी लीड्स आ जाती है, ठीक है, और साथ में अपने फॉलोअर्स को साथ कंटिन्यू रखें, ठीक है। डेली के 10 से 20 आप लोग फॉलोअर्स अपने जो है ना वो बनाते रहें ताकि आपकी जो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो थोड़ी सी वायरल हो जाए, ठीक है। ओके अब लास्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है टिकटॉक की तरफ आते हैं, ठीक है, और सॉरी स्नैपचैट आते हैं, ठीक है। टिकटॉक को फिर किसी दिन देखेंगे, स्नैपचैट की तरफ आते हैं। स्नैपचैट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लोग काफी मजेदार चीज आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं आप लोगों को इसके लाइव जो है ना वो रिजल्ट इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ओके यहाँ पर मैं अपनी जो है ना वो आईडी ओपन कर लेता हूँ। ये आपको कोने पर एक चीज दिखाई दे रही है। ओके ये कोने पर मेरी आईडी आप लोगों को दिखाई दे रही है, मैं इसको जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ये नेम ये नीचे आप लोगों को काफी दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ी देर पहले मैंने ये लगाई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि व्यूज काफी मतलब अच्छे आते हैं, मैंने इतनी बड़ी स्टोरी लगाई, लेकिन आप लोग लगाएंगे तो इंशाल्लाह साथ में अपना नंबर भी दीजिएगा तो आप लोगों की काफी सारी यहाँ से आएगी आपके पास लीड्स। अच्छा यहाँ पर लीड्स के 2 से 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने जब प्रोफाइल अपनी ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिन लोगों ने कभी स्नैपचैट यूज नहीं किया ये थोड़ा सा नीचे आएंगे, उनको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक्टिव या एडिट, ठीक है, एडिट पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो मैंने इसको एडिट किया होगा, सिंपली आप लोग इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसको आप लोग एडिट करने का वो पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको एडिट पर आ जाना है। एडिट पर आने के बाद आप लोगों ने 2 से 3 चीजें करनी है, अपना नेम लिख लेना है, पिक्चर लगा लेनी है और नीचे आप लोगों ने अपना बायो लिख लेनी है और नीचे आप लोगों को अपनी लोकेशन जो है ना वो लोग दे सकते हो, ठीक है। सिंपली आप लोग दे सकते हो कि मैंने कुछ दिन पहले जो है ना वो जब से मैंने गर्ल की ये यूज की है ना सिर्फ ये लोगों को हायर करने के लिए बस, ठीक है, ये भी ट्रिक है। मैंने देखा कि जब मेरी किसी की पिक्चर लगी हुई थी तो इतनी ज्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन देखिये अब मेरे सब्सक्राइबर आप लोग देखिए 1501 हो गया है, ठीक है, ये तकरीबन 2 से 3 दिन में 400-500 ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि लोग जो है ना आपको पता ही है तो आप समझ सकते हैं, बेहतर बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ऐसे जो है ना वो आपके फॉलोवर ज्यादा बन जाएंगे, फिर आप लोग जब स्टोरी वगैरह लगाया करोगे तो ज्यादातर लोगों के पास जो है ना वो पहुंचे करेगी और आप ज्यादातर लोगों को जो है ना वो हायर कर सकोगे, ठीक है। ओके अब ये यहाँ पर आप लोगों को मैं जब आप लोग स्नैपचैट को ओपन करते हैं बेसिकली ज्यादातर लोग स्नैपचैट को यूज करते हैं पिक्चर उतारने के लिए, मैं भी ऐसे ही करता था, ठीक है, पिक्चर वो काफी ग्लो आती थी ब्राइट आती तो मैं इस वजह से यूज करता था। सिंपल अब आप लोगों ने बिजनेस के लिए यूज करनी है। ओके यहाँ पर चले मैं एक डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर से समझ आ जाए, सही है, मैंने कोई भी
पेस्ट करके आप लोगों को नहीं दिखाई, तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 मिनट ठहरेगा। ओके, ये आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मैंने मेंबर को सेंड की थी, एक यहाँ पर एक था मेंबर, सॉरी। ओके चले, शायद अभी मैं टूल्स में देखता हूँ, वहां पर मुझे मिल जाती है अगर ओपन हो गया, ठीक है। चले ओके, अब यहाँ पर काफी सारी मैं डिस्क्रिप्शन अपने पास रखी हुई है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है, सिंपल ये देखिए मेरी बनी बनाई है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं स्नैपचैट पे आता हूँ। जब आप लोग स्नैपचैट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखिए ऊपर, ठीक है, ये आदमी सा बना हुआ है, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग इस मेंबर को ऐड कर लोगे, ये देखिए व्यू मोर पर क्लिक करता हूँ, ये लोग सारे, ये देखिए रिक्वेस्ट है किस लोग कितने लोगों की आई हुई है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने इनको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेने के बाद ये एक्सेप्ट होगी। ओके चले, अब ये जो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये बंदे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, सारे ऑनलाइन है, ठीक है। इन लोगों को आप लोगों ने कैसे हायर करना है, सिंपली इनकी ये एडिट जो है ना आईडी है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इसको मैसेज भेज देना है, ये वाला सेंड कर देना, ठीक है। अब इसके पास मैसेज चला गया, अगर ये बंदा इंटरेस्टेड हुआ तो आपसे व्हाट्सएप पर रब्ता करेगा। इसी तरह आपने दूसरे बंदे के पास आ जाना है, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और इसके बाद सर्च कर लेना है, ठीक है, सेंड कर देना है। तो ये चीज आप लोगों ने ऐसे आप लोग हायर कर दी, कितने सारे लोग हैं, अगर आप लोग एक वक्त में बैठ के अच्छी शेयरिंग करो तो कितने यार आप लोग पास लीड है। सब कमी हमारे में है कि हम लोग टाइम नहीं देते, ठीक हो गया। अब ये लोग जो है ना सारे ऑनलाइन बैठे, इनकी जो रिक्वेस्ट है इनको मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ये फॉलोअर्स और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, सब्सक्राइबर। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के पास शायद ऐसा कुछ ना आए, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये ऐड की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, ऐड, ठीक है। इन्हीं तकरीबन आप लोगों ने एक वक्त में बैठ के 30 लोगों को ऐड कर लेना है, ठीक है, 20 से 30 लोग, ये देखिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मेरा जो आईडी वो ज्यादा वायरल हो रही है, मेरे फ्रेंड ज्यादा बन रहे हैं, तो मेरी जो क्या कहते हैं स्टोरी है वो ज्यादातर लोगों के पास पहुंचेगी, और ज्यादा ज्यादा लोग ऑनलाइन होंगे तो मैं इनको अपनी रीच जो है ना हायर कर सकूंगा। सेम इनको आप लोग मैसेज भेजें, ठीक है, तो मैसेज भेजने के बाद जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो आपसे रब्ता करेगा। अच्छा चलो, मैं इसकी लाइव प्रूफ दिखाता हूँ लोग, आप लोगों को मैंने आगे लेटेस्ट को दिखाया था, मैं बात कर रहा था। ओके, यहाँ पर आप लोग एक पर्सन दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा अब्दुल रहमान, ठीक है, मेडिकल का एक स्टूडेंट है, ठीक है, ये मेरे पास आया। अब मैंने इससे जो है ना वो देखिए पूछा है कहाँ से आए हो, ये देखिएगा। ओके, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, देखिए मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे जानते हैं, कहते हैं भाई स्नैपचैट पर, ये देखिए। ओके, ये देखिए देख रहे हैं, तो ये इसके रिजल्ट्स आए हैं, तो आप लोग देखते थे कि इसके साथ चैट भी होगी और सारा कुछ, मतलब इसके साथ मेरी बातचीत होगी, है ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके का होता है, ये सिस्टम होता है, ठीक है। आप लोग बस शेयरिंग करने वाले भाई आप बने, आप लोग काम करने वाले बने, तो इंशाल्लाह आपके पास लीड्स कभी भी खत्म नहीं हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों की चीज क्लियर होगी होगी, ठीक है। तो मीटिंग में मैं वापस आता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है पूछ सकता है, क्लियर है। अच्छा, मैं मुनीबा आप रिकॉर्डिंग को